क्या तुमूर फलक के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा? किंजा किस तरह से यहाँ पर फलक से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर अब सोनिया क्या क्या आगे करने वाली है, आज की वीडियो हम आप लोगों को सब कुछ डिटेल से प्रोमो बताने वाले हैं और इसमें सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। आगे क्या होने वाला है वो भी प्रेडिक्ट भी थोड़ा सा करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल के उनको नहीं दबाया, जरूर से दबाते जाना, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेंगी इस चैनल पे। और यहाँ पर इस ड्रामे की फुल स्टोरी वाली वीडियो भी आप लोग जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, और आप लोग हमें बताइएगा वो आप लोगों को कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सीरियल बहरूप के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो सबसे पहले यहां पर कि अब सोनिया जो है आपको पता है कि यहां पर वो फंसाने के चक्रों में है सोहेल को, जिसकी वजह से यहां पर वो जो है बहुत ही ज्यादा कमल का गिफ्ट यहां पर दे रही होती है यहां पर सोहेल को कि ये ले सर। जिसके बाद यहां पर सोहेल देखेगा और यहां पर कहेगा ये क्या है, जिसके बाद ये कहेगी कि आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूं, जिसके बाद यहाँ पर वो देखेगा खोलेगा और उसे काफी ज्यादा पसंद भी आएगा, क्योंकि नजरें ये किंजा के साथ रहती है तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ इसे आइडिया हो चुका होगा। और इसके साथ साथ यहाँ तो उसकी सालगिरह होगी या फिर यहाँ पर ऐसे ही इसने किसी ना किसी वजह से यहाँ पर किसी अचीवमेंट की वजह से इसे गिफ्ट दिया होगा, लेकिन ये अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश कर रही है किंजा के लिए। यहाँ पर इसके दिल में जो है वो खराबी डालने की कोशिश में लग चुकी है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ये वर्क भी करेगा। किंजा यहाँ पर इतनी ज्यादा बेवकूफ है जो कि फलक के पीछे ही पड़ी हुई है कि यहाँ पर इसे घर से निकालना है। और आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पर अब जो है किंजा की दोस्त जो आई होगी घर में, जिसके बाद यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस कराएगी किंजा के यहाँ पर ये जो है तमूर की बीवी है, जिसके बाद वो जब इसे देखेगी तो वो कहेगी कि फलक तुम बताओ तुम कैसी हो। जिसके बाद फलक जो है वो हड़बड़ाहट में जो है वो कह रही होगी कि हाँ मैं अच्छी हूँ, और यहाँ पर चाय डाल रही होगी और एकदम से सब कुछ नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है किंजा तो देखना शुरू हो ही जाएगी और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी, डर जाएगी यहाँ पर के फलक के अब यहाँ पर ये मुझे डांटना ना शुरू कर दे, मारना ना शुरू कर दे, और जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी दोस्त भी देखेगी। लेकिन किंजा यहाँ पर कुछ भी इतना ज्यादा जो है खतरनाक रद्द अमल नहीं देगी और यहाँ पर शायद बाद में इसे जो अच्छा खासा बनाएगी, इसे अच्छा खासा जो है सेट करेगी। और आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हो कि यहाँ पर अब जो फलक है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो सोच के यहाँ पर ये किंजा भाभी के जो है वो इशारों पर नाचता है तमूर, और यहाँ पर मुझसे माफी मंगवाई है, मेरी क्या इस घर में इज्जत रह गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर उसे ये सोच के ही बुखार चढ़ जाता है और यहाँ पर तमूर को जो है वो काम कर रहा होता है, ये वहां पर चाय लेकर जाती है। चाय देकर जैसे ही जाने लगती है कि एकदम से इसे जो है चक्कर आते हैं और ये एकदम से जो है वो खड़ी खड़ी यहाँ पर गिरने लगती है, तो तमूर कहता है क्या हुआ ये बताएगी कि मुझे आ चुके हैं चक्कर। जिसके बाद यहाँ पर तमूर जब इसके माथे पे हाथ रखेगा तो वो कहेगा ओ माय गॉड तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा बुखार है, जिसके बाद जो है जल्दी से इसे उठाकर ले जाएगा अपने साथ हॉस्पिटल में। यहाँ पर फलक तो कहेगी कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ले जाएगा। जिसके बाद आप लोगों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर काफी ज्यादा डॉक्टर जो कहेंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रेस ले रही है, ऐसा है वैसा है, काफी ज्यादा कुछ यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर जो है वो काफी देर तक यहाँ पर शायद इसे इंजेक्शन लगे, ड्रिप्स वगैरह लगे, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सो रही है। और यहाँ पर तमूर इसका हाथ पकड़कर बैठा, और इसके साथ साथ यहाँ पर अब जो है किंजा पूछेगी और कहेगी नौकरानी को कि यहाँ पर ऐसा करो कि किंजा जाओ जाओ और जाकर फलक को कहो यहाँ पर खाना लगा दें। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर मेड कहेगी कि अब जो किंजा बीबी यहाँ पर फलक तो घर में है ही नहीं, वो तो तमूर साहब के साथ बाहर गई है, और सहेल भी अभी अभी आया होता है, पानी पी रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर किंजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर वो क्या बाहर खाने पीने गए हैं, वहां पर डिनर पे लेकर गया है। जिसके बाद नौकरानी कहती है नहीं नहीं बीबी जी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर फलक बीवी को जो है वो काफी ज्यादा बुखार हो गया था, यहाँ पर वो गिरने लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है साहब तमूर साहब उसे लेकर गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहती है अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद इसे पता होगा कि यहाँ पर क्या बात है, इसके बाद ये तमूर को फोन लगाएगी और तमूर से पूछेगी कि यहाँ पर मुझे बताओ तुम कहाँ हो। जिसके बाद तमूर कहेगा कि यहाँ पर अब जो है फलक को हो, फलक एक हिसाब की बेहोश होने लगी थी, यहाँ पर उसे बुखार बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ, इसी वजह से मैं वहां पर हूँ। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर कहेगी किंजा अच्छा ऐसी बात है मैं भी आ रही हूँ, और शायद वो मना करेगा लेकिन यहाँ पर ये सोच रही होगी कि नहीं यहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी तमूर तुम्हें अलग नहीं छोड़ सकती, यहाँ पर तुम तो मेरे सोने के अंडे देने
वाली मुर्गी हो तो मैं तुम्हें अकेला तो फलक के साथ नहीं छोड़ सकती, यहाँ पर तुम दोनों को एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, होने दूंगी एक साथ। जिसके बाद यहाँ पर ये वहां पर जब पहुंचेगी तो देखे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी कि यहाँ पर तमूर जो है हाथ पकड़ कर बैठा होगा फलक का, और वहां पर वो भी एक हिसाब का सो ही रहा होगा। जिसके बाद यहाँ पर ये तमूर को उठाएगी और कहेगी कि तुम घर जाओ, जाकर जो है वो नाश्ता वगैरह सब कुछ करो, जाकर घर जाकर चेंज भी कर लो, यहाँ पर तुम परेशान मत हो, मैं फलक के पास हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये फलक को कहेगी मैं तुम दोनों को इकट्ठा नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने दोनों बारी करने की कोशिश की, ऐसा आने वाले एपिसोड में वो कर सकती है। और इसके बाद आप लोग ये भी देखने वाले हो कि यहाँ पर वो जो है किंजा जो है वो उसे जल्दी से लेकर जब घर में जाएंगे तो नाजरीन यहाँ पर वो जब जो है उसका जो कमरा दिया गया है फलक को, तो यहाँ पर उसका जो है वो पंखा चलाएंगे तो वो ऑन नहीं होगा, यहाँ पर वो खराब हो चुका होगा। यहाँ पर तमूर कहेगा कि भाभी यहाँ पर ये पंखा तो खराब हो चुका है। जिसके बाद किंजा कहेगी नहीं नहीं ठीक था। जिसके बाद यहाँ पर वो कहेगा कि नहीं चल रहा। जिसके बाद यहाँ पर किंजा बहुत ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि यहाँ पर फिर ऐसा करो फलक, तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ। जिसके बाद फलक कहेगी नहीं नहीं भाभी आप रहने दे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। जिसके बाद यहाँ पर तमूर कहेगा कि ऐसा करो फलक कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ और मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा जो है किंजा जो है वो लड़ने झगड़ने लग पड़ेगी कि नहीं तुम बच्चों के साथ ही सो, उनको तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, यहाँ पर ये मेरे कमरे में सो जाएगी। और इसके बाद शायद यहाँ पर इस सोहेल को जो है कमरे से बाहर निकाल दिया जाए और यहाँ पर इसकी अच्छी खासी क्लास ली जाए कि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं कर रही, और आइंदा के बाद अगर मैंने तमूर के पास तुम्हें देखा तो मैं बिल्कुल भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी, यहाँ पर तुम जो कुछ कर रही हो मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और यहाँ पर इसे इसका तो पता चल रहा है जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर दिमाग नहीं लड़ा रही, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अपने आप ही होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको उस पर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा यकीन है, बहुत ही ज्यादा उसके साथ हंस हंस के सोनिया के साथ बातें करती है। लेकिन इससे क्या पता कि यहाँ पर सोनिया आने वाले एपिसोड में यहाँ पर मेरा ही घर खराब करने वाली है, और इसी वजह से तो ये इतने ज्यादा गिफ्ट वगैरह दे रही है, यहाँ पर अपनी तरह माइल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर सहेल जो है आहिस्ता आहिस्ता जब उसे अपनी बीवी से अहमियत नहीं मिलेगी, उसे पता चलेगा कि ये तमूर का ज्यादा करती है और यहाँ पर मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं पूछती, हर वक्त ताने मारती रहती है, यहाँ पर इस घर में मेरी कोई भी अहमियत नहीं है, तो उसे जहाँ प्यार मिलेगा वो वहां पर चला जाएगा। यहाँ पर ये उसके बाद यहाँ पर इसके साथ रहना शुरू कर देगा, अब इसे सेक्रेटरी बना लिया है, तो यहाँ पर यही हो सकता है कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से सोनिया जो है इसे फोर्स करना शुरू कर दे कि यहाँ पर आप मुझसे प्यार करते हैं। जिसके बाद ये भी सोचने पर मजबूर हो जाए और यहाँ पर इनका किसी ना किसी तरीके से जो है वो शादी वगैरह करवा दी जाए सीक्रेटली, ये सब कुछ होगा। आप लोगों को क्या लगता है? और यहाँ पर आप लोग अगर जानना चाहते हो इस ड्रामे की फुल स्टोरी, वैसे मैंने एक बनाई है वो वाले आप लाकर जाकर जरूर से देख लीजिए, और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो हम इस ड्रामे पे जो है मजीद अच्छी और एक जो है वो फुल डिटेल के साथ जो है फुल स्टोरी वाली वीडियो ले आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज।